और चमोली से खबर आ रही है जहां पर बिन बारिश ही पहाड़ टूट रहे हैं। जोशीमठ विकासखंड के बड़गांव में ठीक सामने पहाड़ टूटा। हालांकि पहाड़ टूटने से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ का मलबा धौला नदी में गिरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश यहां पर हुई नहीं है लेकिन इसके बावजूद पहाड़ दरक रहे हैं। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। जोशीमठ विकासखंड के बड़गांव की ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा है। हालांकि पहाड़ टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ का मलबा धौला नदी में गिरा है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री का जवाब। खाद को लेकर मनसुख मांडविया का जवाब, यूरिया खाद को लेकर अखिलेश ने दरअसल सवाल उठाए थे और अब इसका जवाब दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, प्रिय अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीम कोटेड यूरिया की 45 किलो के प्रति बैग 266.5 में मिलती है और मिलती रहेगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के जय अनुसंधान के नारे के साथ हमने किसानों के हित में नया सल्फर कोटेड गोल्ड यूरिया बनाया है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से जवाब दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए सवालों को लेकर। और अब अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था वो भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने खाद के नाम को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया था और लिखा था, भाजपा सरकार किसानों के शोषण का पर्याय बन गई है। यूरिया की बोरी वजन में घटकर अब 40 किलो की हो गई है। किसान ये साधारण गणित अच्छे से समझता है कि पहले 266 रुपए में 45 किलो यानी 1 किलो यूरिया का दाम लगभग 5.92 पड़ता था, अब 266.5 में 40 किलो यानी कि लगभग 6.66 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। मतलब एक झटके में यूरिया 12% से भी ज्यादा महंगी हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। यूरिया को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और अब इसका जवाब भी दे दिया है मनसुख मांडविया ने और उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जिस गणित की बात अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कर रहे थे, उनका कहना था कि अचानक से 12% से भी ज्यादा यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई। और कानपुर से खबर लेते हैं जहां पर इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है। आगजनी आचार संहिता मामले में ये पेशी हुई। इरफान के भाई रिजवान की भी कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच इन दोनों की पेशी की गई है। कोर्ट जाते वक्त ही इरफान ने बोला कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ इंसाफ होगा, इस तरह की बातें उसने की है। लेकिन आज उसकी पेशी हुई है और ये पेशी लगातार हो रही है। इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आगजनी आचार संहिता मामले में ये पेशी बताई जा रही है। इरफान के भाई रिजवान की भी आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच जब पेशी हो रही थी, उसी वक्त जाते हुए इरफान ने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ इंसाफ होगा। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया और उन्होंने भागने की भी कोशिश की। पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी जबकि दो शातिर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और बदमाशों के कब्जे से नकदी, तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद कर ली है। दौतई नहर पुल के पास चेकिंग की जा रही थी तभी नहर पटरी के किनारे से दो बाइक पर चार युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक तेज भगाने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दो युवकों को गोली लगी है पैर में, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए, जिनके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। और प्राथमिक पूछताछ में इनका नाम विक्की और आजाद पता चला है और ये लोग गढ़ कस्बे के ही रहने वाले हैं। इन पे पहले गोकसी और 307 का मुकदमा भी है और अभी 5 दिन पहले हुई गढ़ में लूट की घटना में भी ये लोग वांछित हैं। इनके कब्जे से एक काली स्प्लेंडर प्लस बाइक, कुल 2200 रुपए लगभग नगद और दो तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है।
देवरिया में सीबीआई की टीम ने बड़ौदा यूपी बैंक के शाखा प्रबंधक और चपरासी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। ये कार्रवाई सीबीआई लखनऊ की 5 सदस्यों की टीम ने की है। आपको बता दें कि मिश्रौली गांव के रहने वाले महेश कुमार शर्मा ने बड़ौदा यूपी बैंक में खाद बीज की दुकान के साथ साथ 5 लाख के लोन के लिए आवेदन दिया था, जिसके लिए बैंक मैनेजर नवनीत मिश्रा और चपरासी मुकेश ने 12,000 की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता महेश शर्मा ने 5 जनवरी को लखनऊ की सीबीआई टीम को शिकायत दी। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।